दोस्तों रियलमी अपना मोस्ट पावरफुल फ़ोन रियलमी GT 7 Pro को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसका लैंडिंग पेज भी अमेजोन पे आ गया है। ये फ़ोन इंडियन मार्केट में बहुत जल्द आने वाला है। इस फोन के लॉन्च डेट और इसके प्राइस को लेकर के कुछ न्यू अपडेट आया है। इस वीडियो में बात करेंगे कि फ़ोन डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी में कैसा होगा, इस फोन में क्या क्या चीज़ें मिलेगा और ये फ़ोन कितने प्राइस पर लॉन्च होगा और ये कब लॉन्च होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पूरे डिटेल्स में रियलमी GT 7 Pro के बारे में। सबसे पहले इस फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो देखिए फोन बैक साइड से कुछ इस तरीके का होगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा। बैक साइड से फोन अच्छा होने वाला है। फोन के बैक साइड पे ग्लास का बैक रहेगा, फ्रेम मेटल का होगा और इसमें स्क्वायर कटआउट में ट्रिपल कैमरा का सेटअप होगा और एक फ्लैश लाइट मिलेगा और फोन इन हैंड फील में भी बढ़िया होगा। जब आप फोन को हाथ में लेंगे तो आपको प्रीमियम सा फील देगा। वहीं फ्रंट साइड पर माइक्रो कर्व डिस्प्ले मिलेगा जो कि सेंटर पर छोट वाला होगा, जहाँ साइड का बेजल छोटचिन बहुत कम रहेगा। फोन फ्रंट साइड से भी बढ़िया होगा और देखिए कर्व ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, तो ये फोन गेमिंग करने वाले यूजर के लिए बढ़िया रहेगा। डिस्प्ले का बात करें तो इसमें 6.7 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला OLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि सेंटर पंचोर वाला क्वाड कर्व डिस्प्ले होगा। इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी रहेगा। इसका HBM 2000 निट्स तक का रहेगा। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी होगा। देखिए डिस्प्ले में फ़ोन बहुत अच्छा होगा और जब आप फोन को चलाएंगे तो फोन चलाने में आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा। फ़ोन एकदम स्मूथ चलेगा। स्क्रोलिंग में, ब्राउजिंग में, ऐप ओपन क्लोज में, ये सब में तो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा ही होगा। फ़ोन वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस में भी बहुत बढ़िया होगा। जब आप इसमें कोई भी हाई क्वालिटी का वीडियो प्ले करेंगे या कोई 4K वीडियो प्ले करेंगे या कोई HDR वीडियो प्ले करेंगे तो आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस बढ़िया मिलेगा। डिस्प्ले में फ़ोन आपको सेटिस्फाइड करने वाला है। प्रोसेसर का बात करें तो इस फोन में स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर मिलेगा जो कि 3 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बना होगा, तो बैटरी इफिशियंट भी होगा और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होगा। और इसका एंटी2 स्कोर जो लीक हुआ है वहाँ पे ये 3 लाख से ज़्यादा का स्कोर कर ले रहा है, तो इसे देखिए क्लियर है कि फ़ोन परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। जब आप इस फोन में गेमिंग करेंगे हाई सेटिंग पे भी तो गेमिंग आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे और ये गेमिंग करने वाले यूजर के लिए ये फ़ोन बेस्ट होने वाला है। खास करके जो लोग BGMI ज़्यादा खेलते हैं उनके लिए तो खैर ये फ़ोन परफेक्ट होगा ही होगा और ये फ़ोन एक नॉर्मल यूज़र के लिए और ज़्यादा बढ़िया होगा। परफॉर्मेंस टॉप क्लास का मिलने वाला है इस फोन में। वहीं इस फोन के स्टोरेज और रैम टाइप की बात करें तो ये फ़ोन LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज टाइप के साथ आएगा। और जब आप इस फोन में कोई भी ऐप को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे या एक ऐप से दूसरे पे स्विच करेंगे या बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन को रन कराएंगे तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। फ़ोन स्टोरेज और रैम टाइप में भी टॉप क्लास का रहेगा। कैमरा का बात करें तो इस फोन के रियर साइड पे ट्रिपल कैमरा का सेटअप होगा, जहाँ की मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलेगा। इसमें OIS भी रहेगा और इसमें सोनी का IMX906 का सेंसर मिलेगा और इसमें 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस होगा जो कि 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आएगा और इसमें भी OIS मिलेगा। और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा होगा। सेल्फी में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा। देखिए फ़ोन का कैमरा सेटअप भी बहुत अच्छा होगा और जब आप इस फोन के कैमरा से कोई फोटो क्लिक करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो क्वालिटी कमाल का निकाल के देगा। कलर को अच्छे से बैलेंस रखेगा, डिटेलिंग को भी मेंटेन करेगा, डायनेमिक रेंज में भी बहुत बढ़िया होगा, लो लाइट में भी अच्छा क्वालिटी निकाल के देगा, अच्छे लाइट कंडीशन में बहुत अच्छा क्वालिटी निकाल के देगा, पोर्ट्रेट शॉट्स कमाल का आएगा, जूमिंग में भी बढ़िया होगा, सेल्फी फोटो भी अच्छा निकाल के देगा। कुल मिलाकर के देखिएगा तो ये फ़ोन परफॉर्मेंस के साथ साथ कैमरा में भी बेस्ट होगा और आप लोगों को सेटिस्फाइड भी करने वाला है। बैटरी का बात करें तो इस फोन में 6500 mAh का बैटरी मिलेगा, जहां 120 वाट का फास्ट चार्ज का सपोर्ट भी रहेगा, तो फोन बैटरी में भी बेस्ट होगा और फास्ट चार्ज के सपोर्ट में भी बेस्ट होगा। और ये फ़ोन डुअल स्टीरियो स्पीकर सपोर्ट के साथ आएगा तो फ़ोन मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में भी बहुत बढ़िया होगा। और ये फ़ोन IP69 रेटिंग के साथ आएगा तो फ़ोन फुल्ली वाटर प्रूफ होगा। फ़ोन को आप पानी में डाल दीजिए या फिर बारिश में आप फ़ोन को यूज़ कीजिए या कोई बच्चा फ़ोन को उठा के फेंक देता है स्ट्रॉन्ग सरफेस पे तो भी फ़ोन को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फ़ोन ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी बेस्ट होगा। और इस फोन में 5G का कनेक्टिविटी रहेगा, इंडिया के सारे इंपोर्टेड ब्रांड का सपोर्ट रहेगा, खास करके N78 और N28 ब्रांड का सपोर्ट तो मिलने ही वाला है। फ़ोन 5G कनेक्टिविटी में बेस्ट होगा और 5G नेटवर्क पर स्पीड भी बहुत अच्छा देगा। और दोस्तों इस फोन में बहुत सारा इंपॉर्टेंट AI फीचर भी मिलेगा, जिससे कि आप किसी फोटो के क्वालिटी को AI के थ्रू इम्प्रूव कर पाएंगे, किसी फोटो से बैकग्राउंड को रिमूव कर पाएंगे, अनवांटेड पार्ट को फोटो से रिमूव कर पाएंगे। इस टाइप का बहुत सारा इंपॉर्टेंट फीचर इसमें मिलने वाला है। और लीक्स के अकॉर्डिंग ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 15 के साथ आ सकता है और इसमें 4 साल का मेजर अपडेट और 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल सकता है। दोस्तों यही सब पूरा डिटेल्स था ये रियलमी GT 7 Pro से रिलेटेड जो कि इस वीडियो में आपको बताए हैं। ये सब डिटेल्स से तो आप समझ गए होंगे कि फ़ोन सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, चाहे लुक हो, डिस्प्ले हो, बैटरी हो, परफॉर्मेंस हो, कैमरा हो, मल्टीमीडिया हो, IP रेटिंग हो, सारे चीज़ों में फ़ोन बहुत अच्छा होगा। और आपको बताते चलें कि ये फ़ोन इंडिया का पहला फ़ोन होगा जिसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर मिलने वाला है। वहीं इस फोन के प्राइस की बात करें तो दोस्तों ये फ़ोन जब इंडियन मार्केट में आएगा तब इस फोन के बेस वेरियंट का प्राइस 55,000 के आसपास रहेगा। अब 55,000 के आसपास कितना होगा ये भी क्लियर
नहीं हुआ है लेकिन 55 के आसपास ही रहेगा। तो इस फोन को लेकर आप सीरियस हैं तो 55,000 का टारगेट लेके चलिए। वहीं इस फोन के लॉन्च डेट का बात करें तो दोस्तों ये फोन 4 नवंबर को चाइना में लॉन्च होने वाला है। इस फोन का चाइना लॉन्च डेट ऑफिशियली कन्फर्म किया जा चुका है और ये फोन इंडियन मार्केट में 15 नवंबर को लॉन्च होने वाला है, ऐसा लीक्स में कहा जा रहा है। वैसे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जो अपडेट आया था रियलमी GT 7 प्रो से रिलेटेड वो सारे डिटेल्स आपको बता दिए। वैसे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।